दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर अंकिता लोखंडे को मिल गए हैं अपने गार्जियन एंजल। जी हाँ, अंकिता लोखंडे दरअसल बैठी होती है मुनव्वर फारूकी और साथ ही साथ बैठी होती है UK07 राइडर के बीच में। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और जो मैं एंजेलिक मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था कि तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे गार्जियन एंजल। और यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे सपने भी बार बार आ रहे थे, राइडर्स के सपने आ रहे थे, तो बिग बॉस के घर में मैं आई तो मुझे राइडर मिल गए, यानी कि आप मेरे गार्जियन एंजल हो। वो कहती हैं UK07 राइडर को। तो तभी मुनव्वर वहाँ बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि भैया मैं भी बहुत फेमस हूँ, मैं भी नागपाड़ा का राइडर के नाम से बहुत फेमस हूँ। मेरी एक वीडियो है जिसका नाम नागपाड़ा का राइडर है, जो कि 25-30 मिलियन व्यूज़ आ गए थे उसके ऊपर, और लोग तो मेरे शोज़ में मेरे को बुलाते ही नागपाड़ा का राइडर है। तो फिर अंकिता खुश हो जाती है और अंकिता कहती है कि आप दोनों ही मेरे एंजल हो और आप दोनों ही मेरे बिग बॉस के घर में गार्जियंस भी हो, आप दोनों को ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फिर मुनव्वर कहते हैं कि ठीक है विके भैया, दूर हो जाओ अंकिता से, क्योंकि हमें इनकी रक्षा करनी है। इस दौरान UK07 भी कहते हैं कि मैं भी उत्तराखंड से बाइक उड़ाता हुआ आऊँगा मुंबई अंकिता की रक्षा करने के लिए। बहरहाल सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, तभी एक म्यूट कर दी जाती है बात, जो कि विक्की जैन की होती है, जो कि डबल मीनिंग जोक होता है, जिससे नाराज़ होकर अंकिता अंदर चली जाती है। कमेंट करके अपनी राय में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये जो है ये गार्जियन एंजल है या फिर बनेंगे डेविल। कमेंट करके अपनी राय बता दें और बेखबरों के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल देखो देखो को।